आपकी अर्जेंसी समझता हूं, आप चिंता ना करें, मैं कोई ना कोई अरेंजमेंट कर लूंगा, आपका कंसाइनमेंट वक्त पे पहुंच जाएगा। ओके नमस्ते साहब जी। आओ भानु आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। भानु, हमारी एक रेगुलर पार्टी का माल अर्जेंट कलकत्ता जाना है, प्रीतम सिंह यहां है नहीं और बाकी के ड्राइवर्स भी दूसरे रूट पे हैं, तो मैं सोच रहा था ये माल तुम क्यों नहीं पहुंचा देते। मेरी तबीयत ज्यादा खराब है साहब। तो तुम तुम्हारे भाई हरदेव को भेज दो। हरदेव को साहब? हरदेव से तो आप नाराज हैं साहब। भानो, बिजनेस में कोई नाराजगी नहीं होती। ये ठीक है कि हरदेव यूनियन के चक्कर में पड़ गया था, मैंने उसको एक दिन डांट दिया, अब इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उसका दुश्मन हो गया हूं। फिर मैं बाहर के आदमी को बुलाऊं, उससे काम कराऊं, उससे बेहतर है कि अपने घर का आदमी काम करे। तुम ऐसा करो, उसे कह दो कि आज रात को ही माल ले जाना है। बहुत अच्छा साहब जी। अच्छा हुआ नौकरी लग गई हरदेव की। बोलूंगा ससुरे को बनकर यूनियन बाजी क्या रखा। ओहो, अरे बानो भाई, कैसे हो जी, कैसे हो? ठीक हो यार। अरे, क्या हुआ? तभी ससुरे ठीक नहीं रही। अरे, दिन रात कोड़ू के बाल की तरह इस ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए खटते हो, बढ़ती उम्र भी कोई का ख्याल करो। अरे क्या लाया तुम्हारे उस भाई हरदेव के यूनियन का क्या हुआ? सुना था उसने तो यूनियन बना डाली थी। एक बात बताऊं भानु भैया, ये जो तुम्हारा मैनेजर है ना कार्तक बाबू, है बड़ा खुर्रांट, उसी की वजह से मुझे और मक्खन लाल को ये ट्रांसपोर्ट कंपनी सालों पहले छोड़नी पड़ी। छोड़नी पड़ी तो छोड़नी पड़ी, अपनी किस्मत ले गई अपने को रशीद बादशाह के यहाँ। अब देखो ऐश कर रहे हैं। करो जिंदगी भर। अच्छा चलता हूँ। अरे पर जा कहाँ रहे हो? हरदेव को इतला देनी है, आज ही कलकत्ता जाना है ट्रक लेके, जल्दी हो यार। अच्छा अच्छा। लो जी हरदेव महाराज, पी जाओ। देखा नौबत राम जी, ये मैनेजर कैसा सीधा लाइन पे आ गया। जब मैंने ड्राइवरों की यूनियन बनाई थी ना तो कितना भड़का था। थोता चढ़ा गण 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 बाजे गणा। कारोबार की थी का ट्रांसपोर्ट की थी की मालिक बन के बैठा भाई। और मुकद्दर का धड़ी है, मुकद्दर का धड़ी। पर एक बात मुझे बताओ, ये पैग पे पैग किस खुशी में पिलाए जा रहे हो मुझे? खुशी का क्या है हरदेव? अपनी तो रोज दिवाली है। बड़ा दिल कर रहा था तेरे साथ बैठने का, तेरे साथ पीने का, आज बैठ गया। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुमने कार्तक जैसे आदमी को सुला दिया। इसी खुशी में गड़ गया गड़ 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 गया गड़ गया गड़ 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 गया गड़ 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 गया। साहब जी सर, हमारी तमाम पार्टीज की फाइलों के साथ साथ इनकम टैक्स और ऑक्ट्राय की फाइलें भी तैयार कर लीजिए। यस सर, ये रहा पिछले महीनों का अकाउंट सर। ठीक है रजत, ये अकाउंट तुम चेक करो। ओके डैडी। और सुनो, भानु चाचा को 2,000 रुपए दे दो। जी। हेलो, हिमालयन ट्रांसपोर्ट जी। व्हाट? ओ गॉड। ठीक है, मैं अपना आदमी भेज देता हूं। क्लीनर रामकिशन का फोन था, कल रात जो हमारा ट्रक कलकत्ता गया उसका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया।
भानु, उस एक्सीडेंट में हरदेव की मौत हो गई। कसम से, नहीं नहीं साहब जी, मेरा भाई मुझे छोड़ के नहीं जा सकता साहब जी, ऐसा नहीं हो सकता साहब, नहीं हो सकता। खाना खा ले पानू, पानू रोटी खा, रोटी खा पानू। नहीं, नहीं, मेरे अलग से देवाला नहीं उतरेगा प्रीतम सिंह। ओए बल्ले बल्ले, तीन दिन हो गए पानू, ना टांग नाल खाता है, ना टांग नाल पीता है। ओए तेरी ता पहले तबीयत ठीक नहीं रहती पानू, किवें चलेगा ओ, किवें चलेगा? अगर मुझे मालूम होता कि हरदेव वापस नहीं आएगा, मैं उसे कलकत्ते क्यों जाने देता? मैं पानू भाई सबर से, कब क्या हो जाए ये किसको खबर है? दो तीन बार तो मैं भी मरते मरते बचा हूं भैया। पानू, किस दी मौत किथे ते किस तरह लिखी है, एदा ऊपर वाला ही जानता है। ले तू रोटी खा। पानू भाई, हम सब की बात मान लो, रोटी खा लो पानू। ओ सबर कर। नहीं, हाँ हाँ, नहीं खा लो पानू, नहीं खा लो, मुझे नहीं खा लो, चले जाओ, जाओ यहां से। पानू भाई, मुझे परेशान मत करो। हम मेरी बात सुन। जाओ तू सब यहाँ से, जाओ। पानू, पानू, हौसला रख पानू। मैं मरूं या जी हूँ, तुम लोगों को इससे क्या? मुझे अकेला छोड़ दो। पानू, भगवान के लिए अकेला छोड़ दो। जाओ। पानू। चलो भाई, चलो 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 बस बस, इस तरह रो रो कर जान देने से क्या फायदा भाई है? पहले ये सोच कि तेरे भाई के साथ ये हादसा क्यों और कैसे हुआ। पिछले 13 दिन की छानबीन के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हरदेव मरा नहीं, मरवाया गया। उसका एक्सीडेंट हुआ नहीं, करवाया गया। हरदेव ने जूनियर बनाई, खाली जूनियर नहीं बनाई, उसका लीडर भी बना। ये बात उस कर्तक के दिमाग में पहले से ही खटक रही थी। उसने हरदेव को जानबूझ के कलकत्ते भेजा और बीच रास्ते में अपने आदमियों के साथ मिलके उसका एक्सीडेंट करवा दिया। क्यों? क्योंकि ये कांटा उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए हट जाए। तू यहां बैठा बैठा अपने भाई की मौत का मातम मना रहा है ना? मातम मनाने के दिन गए, मालिक से अपने भाई के इंश्योरेंस के पैसे मांग। तेरा भाई ड्यूटी पर काम करते करते मरा और कानून के हिसाब से मालिक को हरदेव की मौत का हर्जाना तो देना ही पड़ेगा। ये कार्तिक बड़ी कुत्ती चीज है, जहरीला सांप है, सांप, इसको मत छोड़। मेरी एक और बात मान ले, अपने तमाम ड्राइवर साथियों के साथ रसीद बादशाह के ट्रांसपोर्ट कंपनी में आ जा। अरे वो तुम लोगों की खुद की ट्रांसपोर्ट कंपनी खुलवा देगा,
तुम लोग अपने मालिक आप खुद बन जाओगे। 10-15 ट्रक की मदद करवाना तो रशीद बादशाह के लिए हाथ का मैल है मैल। नौकरी में क्या रखा है, बस एक बार घर तक के बच्चे से भिड़ जाओ, भिड़ जाओ। आओ भानो। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी साहब। हरदेव ने आपके खिलाफ यूनियन बाजी की थी ना साहब, आप उससे बहुत नाराज थे ना साहब, इसलिए आपने उस रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया, मरवा दिया मेरे भाई को आपने। मैं आपकी काली करतूत एक एक ड्राइवर को एक एक क्लीनर को बताऊंगा साहब, आपकी करतूत का पर्दाफाश करूंगा मैं। भानो चिल्लाओ मत साहब, साहब साहब सुन लो, मुझे मेरे भाई की मौत का पूरा हर्जाना चाहिए, उसके इंश्योरेंस का पूरा पैसा लूंगा। तो तुम्हें तुम्हारे भाई की इंश्योरेंस का पूरा पैसा चाहिए और कंपनी की तरफ से उसकी मौत का कंपेंसेशन चाहिए। हाँ साहब। भानु तुम इस कंपनी के सबसे पुराने और वफादार मुलाजिम हो, तुम्हारे भाई की मौत हुई तुम्हारे इसी दुख को देखते हुए मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं, वरना सच्चाई तो ये है कि तुम्हारे भाई की मौत सिर्फ इसलिए हुई कि वो ट्रक चलाते वक्त शराब के नशे में चूर था। तेज रफ्तार से दूसरों को ओवरटेक करते हुए रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहा था वो। पुलिस की रिपोर्ट और रामकिशन की गवाही इसी बात के सबूत है। यही कारण है कि इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारे भाई की मौत का कोई भी हर्जाना देने को तैयार नहीं और वो हमारे नुकसान की भरपाई करने को भी तैयार नहीं, और इसके ऊपर तुम चाहते हो कि कंपनी अपनी तरफ से तुम्हें उसकी मौत का हर्जाना दे। यही बात अगर तुमने मुझे प्यार से कही होती तो मैं उसे सुन भी लेता, लेकिन तुम तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने तुम्हारे भाई को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे। देखो भानो, इससे पहले कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन लूं, चले जाओ यहाँ से। ठीक है साहब, ठीक है, समझ गया मैं। आप मेरे साथ नाइंसाफी करेंगे, मेरे मरे भाई के साथ भी नाइंसाफी करेंगे आप। भानो चुपचाप चले जाओ यहाँ से। चलता हूँ साहब, चाहता हूँ साहब। क्या भानु भाई, कुछ बात बनी क्या? अरे क्या बात बनेगी, अरे इस मैनेजर की नियत खराब हो गई है। क्या तेरे भाई की मौत का हर्जाना देने से इनकार करता है क्या? अरे हर्जाना देना तो दूर, उल्टे हृदय पे इल्जाम लगावे था कि वो शराब पी के गाड़ी चलावे था। दूसरा से जुल्म है। अरे जुल्म नहीं तो क्या, ये बिल्कुल नाइंसाफी है जी। नाइंसाफी है, हम लोग नाइंसाफी और जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसी मैनेजर की वजह से सालों पहले नौबत राम जो मखनलाल जी नौकरी छोड़ के चले गए थे। मैंने भी कई ट्रांसपोर्टों में काम किया है, इस कंपनी का जो मैनेजर है ना बड़ा चलाक और बड़ा खड़ूस है, वो अपनी कंपनी तो क्या इंश्योरेंस कंपनी का भी माल हड़प करना चाहता है। जो पैसा हरदेव की इंश्योरेंस का है ना वो भी खाना चाहता है। जो प्रधान है ठीक है ना, ठीक है, अरे बिल्कुल ठीक है। अरे जो आज हरदेव के साथ हुआ है कल तुम में से किसी के साथ भी हो सकता है। मैं तो कहता हूँ ऐसी चोर कंपनी में काम करने का क्या फायदा, क्या फायदा जो वर्करों का हक मारे। भाइयो बात सुनो, वो बादशाह ट्रांसपोर्ट कंपनी है ना, उसके मैनेजर अपने वो नौबत राम जी। हाँ नौबत राम जी मेरे पास आए थे, कह रहे थे कि अगर हम सब मिलके उनके पास चले तो वो हमारी खुद की ट्रांसपोर्ट कंपनी बना देंगे, उसमें सबका बराबर का हक होगा। भाइयों ना कोई किसी का मालिक ना कोई किसी का नौकर,
साहब अपने अपने तरीके से जिएंगे। तो भी ठीक है, हम लोग सब चलते हैं। चलो 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 चलो। ओए मूर्खो, नौबत राम ने तुहानू भड़का दिता है। इस दुनिया विच बिना मतलब दे कोई किसी की मदद नहीं करता। तुहाडी ट्रांसपोर्ट कंपनी होएगी, ये बिल्कुल तुहाडा झूठा ख्वाब है। ओए बंदे दे पुत्रो, ये ट्रांसपोर्ट कंपनी जिथे तुसी इतने सालों तो कम करते हो, ये साडी मां है। मां अते मां नाल गद्दारी करना पुत्रां नूं शोभा नहीं दिंदा। रब तुहानू कदे माफ नहीं करेगा। चुप मालक के चमचे। लो भाई सुन लो, ये कार्तिक के बच्चे की तरफदारी कर रहा है। मैं तो कहता हूँ मारो इसे, मारो। मेरी अच्छाइयों का खूब सिला दिया तुम लोगों ने, और तुम भानु, तुम इन लोगों के साथ मिलके इतने नीचे गिर जाओगे, इसका मुझे पता नहीं था। अरे तुम तो मेरे अपने थे, कम से कम तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी भानु। नौबत मियां, जिसे कहते हैं दुतर्फी चाल, मियां तीर एक और शिकार दो। जी कमबख्त को अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी खुलवाने का सपना दिखा के कार्तिक के नजरों में बागी बना दिया। दो पाटन के बीच में पिस्ते पिस्ते। ठीक कह दे हो मियां, कितने दिनों से यहाँ बड़े सड़ रहे हैं। वाह मियां वाह, क्या चाल चली। वाह नौबत मियां, हमने तो कार्तिक से बदला लेने के लिए पासा फेंका था, और पासा ऐसा पड़ा कि चारों खाने चित। और ये ना शुक्र है, बढ़ गए धोबी के कुत्ते, न घर के न घाट के। मियां अब तो ये हमारे दरवाजे की धूल चाटेंगे, धूल। चैन की बंसी कहीं बजाए,
गम की छेड़े सितार संसार पल में कोई आए यहाँ पे एक पल में कोई जाए यहाँ से कभी तो सच होते हैं सब में कभी पराए होते अपने नफरत बनती है प्यार संसार संसार ये संसार।